हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार, जो कम समय में बनता है और जल्दी बनता है। उसके लिए मैंने लिए हैं 1.5 किलो आम। फिर वो हमने सबको काट लिया है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब उसके लिए हमने लिया है लाल मिर्च, नमक, मेथी दाना थोड़ा सा कुटा हुआ, सौंफ, ये हल्दी, और ये थोड़ी सी हमारी कलौंजी, और ये लाल मिर्च, ये थोड़ा विनेगर। उसके लिए हमने ये ऑयल, उसके लिए हमने ये 2 करछी ऑयल अच्छे से पका लिया है। उसमें हमने डाली थी 1 चम्मच हींग। अभी अच्छे से ठंडा हो गया है, हम ये सारे कटे हुए डाल देते हैं आम। उसके लिए हमने लिया 1 छोटी कटोरी एक नमक, और ये 3 चम्मच हम ले रहे हैं लाल मिर्च, 2 चम्मच हम ले रहे हैं हल्दी, और ये आधी कटोरी हमने मेथी दाना हल्का सा दरदरा कर लिया है, ये है हमारी आधी कटोरी। ये है हमारी सौंफ, जो हमने इसको भी दरदरा कर लिया है, और ये हमारी है लाल साबुत मिर्च, जो हमारी 10 से 15 है। ये इसलिए हम डाल रहे हैं कि इसका जो भी सारा पानी होगा ये लाल मिर्च सोख लेगी। और ये लास्ट में हम डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच विनेगर। अब अच्छे से हम इसको हिला देंगे। अब हम लास्ट में डाल रहे हैं 1/2 चम्मच कलौंजी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक जार में भर के रख देंगे, 2 से 3 दिन के लिए इसको धूप दिखा देंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है इसमें ऑयल जितना भी डालें या उसको ऐसा ही रखें। आम का अचार बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक डब्बे में भर के रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबाएं।